distribution, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों को बांटना इलेक्ट्रॉनों को बांटना, ये बांटने लगे असल में हम इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन को हम बांटने लगे। कैसे बांटेंगे जी? कुछ कंसेप्ट्स हैं, अगर वो हम जहन में रख लें तो हमें बेटे पता लग सकता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनों को प्लेस करेंगे, किस तरह से हम बताएं। पहली बात बेटे याद रखनी चाहिए, ये दो तीन बातें आप याद रख लेना, फिर आपको सारा पता लगेगा। पहली बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके अंदर बेटे, इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट शेल को भी कहते हैं। ऑर्बिट जो है इज गिवन बाई, ये याद रखना है कि इस फार्मूला से, इस शय से हमने मोड़ना है 2n स्क्वायर। अगर शेल पहला होगा तो 2 × 1 स्क्वायर खुद बना के देख लेना, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा शेल होगा 2 × 2 स्क्वायर, 8 आएंगे, 18 आएंगे, 32 आएंगे, आपको पता है ये बात होगा। पहले शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 30। दूसरे नंबर पे हमने बेटे ये सीखना है, ये देखना है कि इस सब शेल में कितने कितने आते हैं बेटे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके अंदर बेटे, इन सब शेल के अंदर। सब शेल के अंदर कौन कौन सी हैं? आप ये वाले हैं बेटे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, पी में 6 दोगे, डी में 10 दोगे, एफ के अंदर 14 दोगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकोगे। दो बातें। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा बेटे, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके अंदर, इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है बेटे, एन टू दो हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, टू विद अपोजिट स्पिन, और उनकी स्पिन भी उलट होगी, अपोजिट अपोजिट स्पिन और उनकी स्पिन भी उलट होगी। एक ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, पी एक्स एक ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड ऑर्बिटल है। ठीक है बेटे, और इस तरह ये ऑर्बिटल्स हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। और बेटे रूल्स कौन कौन से आप मानोगे, प्रिंसिपल रूल्स जिनकी हमें जरूरत है, उन रूल्स को भी आप फॉलो करो। वो कौन कौन से रूल्स हैं बेटे? पहले वाला जो रूल है उसका नाम है बेटे n+l रूल, या इसे बेटे वाइस वेसर्स रूल भी कहते हैं, वाइस वेसर्स रूल है। और बेटे लीड अस, ये हमें लीड करके लेके जाता है, लीड्स कहाँ लीड करके लेके जाता है, ऑफ बाओ प्रिंसिपल पे, ऑफ बाओ प्रिंसिपल पे हमें लेके जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर सकें सब शेल के अंदर, शेल के अंदर सारी बातें। दूसरा जो प्रिंसिपल जिसकी मदद हमने बेटे लेनी है वो कौन सा है, वो
उसे कहते हैं बेटे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन एक्सक्लूसिव से है बेटे, शानदार से है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पाली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने बेटे पढ़ना है। और तीसरा प्रिंसिपल हमारा जो है बेटे वो भी हमें चाहिए, और उसका नाम है बेटे हंड्स रूल, उसे हंड्स रूल कहते हैं। तो ये बेटे थर्ड रूल है जो हमें बेटे चाहिए। तो कंसेप्ट तो ऊपर वाले चाहिए, साथ ये बेटे हमें रूल्स भी चाहिए, साथ हमें ये रूल्स भी चाहिए। तो पहली बात बेटे हम एन प्लस एल रूल सीखने लगे हैं। एन प्लस एल रूल, या बेटे क्या मैंने कहा था, वॉइस वेसल रूल। तो एन प्लस एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल एज ही मूथल क्वांटम नंबर है, और एन प्लस एल रूल के हवाले से हमारी ज़ाहरा टेक्स्ट बुक बताती है कि आपने इस बात को सीखना है, इसके बारे में गौर करना है। तो देखते हैं बेटे इसके बारे में हम कैसे क्या बातें बता सकते हैं और क्या बातें कह सकते हैं। देखते हैं बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड फर्स्ट इन दैट सब शेल, उस सब शेल के अंदर उसे फिल करना होता है, विच है जो रखता हो, क्या रखता हो बेटे, विच है लो बेटे थोड़ा लो एन प्लस एल वैल्यू, जिसकी एन प्लस वैल्यू एल वैल्यू कम हो। आगे चलते हैं बेटे, इफ एन प्लस एल वैल्यूज फॉर बोथ सब शेल, दोनों सब शेल की ए सेम, देन इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड, फिर इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है इन दैट सब शेल, इन दैट सब शेल, उस सब शेल में रखा जाता है विच हैव लो एन वैल्यू, विच हैव लो एन वैल्यू, जिसकी लो एन वैल्यू होती है, लो एन वैल्यू होती है। बेटे अगर टू सब शेल जो हैं उनकी आप एन प्लस एल वैल्यू ढूंढें, तो आपको दोनों में से पता लगे कि इस शेल की एन सब शेल की एन प्लस एल वैल्यू थोड़ी है, उसमें रहता रहता। लेकिन अगर कभी n प्लस एल वैल्यूज दोनों सब शेल की सेम आ जाए, फिर इलेक्ट्रॉन आपने उसमें रखने हैं जिसकी n वैल्यू थोड़ी होगी, जिसकी n वैल्यू थोड़ी होगी। देखते हैं बेटे कैसे। अब मैं कुछ सब शेल लिखता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कुछ सब शेल बेटे लिखने लगा हूँ, और ये सब शेल की बातें, और फिर बेटे मैं इनकी एन वैल्यू अलग करूंगा, एल वैल्यू अलग करूंगा, एन प्लस एल वैल्यू मैं इसकी अलहदा बनाऊंगा। तो ये मैंने काम करने लगा हूँ, जरा गौर करना, सब शेल, फिर कौन एन वैल्यू, फिर एल वैल्यू, फिर एन प्लस एल वैल्यू, ये मैं कुछ सब शेल लिखने लगा हूँ बेटे। 1s 2s 2p 3s 3p, तीन कम अज कम जरूर आने चाहिए आपको, मैंने तो खैर पांच लिख दिए, थ्री जरूर आ जाए। मेरे पहले वाले का n जो है n वो एक है, सामने लिखा हुआ है, दूसरे वाले का n 2 है ये लिखा हुआ है, तीसरे वाले का 2 है लिखा हुआ है,
नेक्स्ट वाले का थ्री है नजर आ रहा है, नेक्स्ट वाले का थ्री है नजर आ रहा है, ये साथ में नंबर लगा हुआ ये एन है, ये एन है। अब एल की वैल्यू का कैसे पता लगता है? बेटे आपको याद होगा एल की वैल्यू अगर जीरो होती थी तो एस होता था, वन थी तो पी होता था, टू था तो डी होता है, और थ्री है तो एफ होता है। तो मेरे इसका हमें एस की जगह पे जीरो लिख लेना चाहिए। मैंने एस की जगह पे जीरो लिख लिया, बेटे इधर भी जीरो लिख दिया, पी की जगह पे वन लिख दिया, फिर जीरो लिख दिया, फिर वन लिख दिया। जाहिर है मैंने बेटे वन किसकी जगह लिखा है? पी की जगह पे, पर जीरो किसकी जगह पे लिखा है? एस की जगह पे। बस सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करो, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो का जवाब निकालना है, और टू प्लस जीरो का आंसर निकालना है, टू प्लस वन का आंसर निकालना है, थ्री प्लस जीरो का आंसर निकालना है, और थ्री प्लस वन का आंसर निकालना है। बेटे देखोगा इसका जवाब क्या आता है, वन, इसका आता है टू, इसका आता है थ्री, इसका आता है थ्री, इसका आता है फोर। जरा गौर करो, ये बताओ जब मैं अगर ये दो में सबशेल कंसीडर करूं, वन एस टू एस, आपने बताना इनमें से किसकी एन प्लस एल वैल्यू थोड़ी है। इसमें से एन प्लस एल वैल्यू तो वन एस की थोड़ी, एक नंबर जवाब आता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले वन एस में रखो। ये बताओ अगर बेटे मैं ये दो कंसीडर कर लूं, जरा बताओगा दोनों की एन प्लस एल वैल्यू बराबर है कि नहीं? इसकी भी थ्री है, इसकी भी थ्री है। अब इलेक्ट्रॉन किस में रखूंगा जिसका एन थोड़ा होगा? ये देखो इसका टू एन, इसका थ्री एन, ये साथ नंबर जो लगा हुआ टू और थ्री, तो टू वाले में पहले रखूंगा, बाद में थ्री एस, थ्री एस वाले में आऊंगा, पहले टू वाले में रखूंगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ इधर से इधर अगर मैं जा रहा हूं ऐसे, तो क्या असल में हो रहा है? एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीज हो रही। क्या हो रहा है बेटे? एनर्जी बढ़ रही, एनर्जी ऑफ इंक्रीज कर रही है, एनर्जी ऑफ सबशेल में इजाफा हो रहा है। और हमने हमेशा किधर से किधर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी होती है, हमने लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ हमें बेटे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी होती है। अब बेटे इसकी समझ आ जाए फिर हमें आबा प्रिंसिपल की समझ आ जाती है। देखते हैं बेटे आबा प्रिंसिपल क्या है। आबा का मतलब है टू बिल्ड अप। आबा प्रिंसिपल ऐसा असूल है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बेटे हमने बिल्डिंग खड़ी करनी होती है एटम के गिर, तो ये तमीर करनी होती है, उसको कहते हैं आबा प्रिंसिपल। वो इसी से निकल आता है बेटे, बल्कि है इसी से ये। देखते हैं बेटे द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये भी वही प्रिंसिपल है ना बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस असूल के मुताबिक, इसी प्रिंसिपल एन प्लस एन रूल से निकाल लिया हमने, इस प्रिंसिपल के मुताबिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलिंग सबशेल के अंदर इज डन, उसे किया जाता है फ्रॉम लो टू, लो टू हाई एनर्जी, लो एनर्जी से स्टार्ट करके हाई एनर्जी की तरफ उसको फिलिंग की जाती, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फिलिंग की जाती। द ऑर्डर, जो ऑर्डर है बेटे द एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल, सबशेल का जो एनर्जी ऑर्डर है, सबशेल का जो एनर्जी ऑर्डर है इज गिवन बिलो, ये बेटे हम लिखने लगे हैं और इसी को हमने लेके आगे बेटे बढ़ना होता है। क्या करना है आपने बेटे? आपने वन से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये नंबर आपने लिख लेने होते हैं, सीधे लिख लें, टेढ़े ना हो जाए, हो जाए तो सही कर लें। बेटे ऊपर वाला एक नंबर नहीं लिखना, अब देखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, और बेटे देखो थ्री फिर फोर फिर फाइव सिक्स, एक एक नंबर छोड़ता जा रहा हूँ ऊपर से, और बेटे फोर फाइव सिक्स और सेवन, वो ना सही हो सीधे कर लें, उसमें क्या है, जैसे ये थोड़े से ऊपर चले गए तो आप बेटे उसको सीधा करने में कौन सा देर लगती है,
ये फाइव थोड़े से सीधे नहीं है, इसको सीधे कर लो, लाइन में आने चाहिए, क्योंकि आपके पास तो लाइंस होंगी ना बेटे, आपके पास तो नोटबुक पे लाइनें होंगी, आप उसके ऊपर लिखो। ये मैंने लिख दी, पहली देख लो कॉलम में सेवन नंबर है, दूसरे में एक नहीं है, तीसरे में टू नहीं है, तो तीसरे में थ्री भी नहीं है, वन टू थ्री तीनों नहीं है। अब बेटे पहले वाले को मैंने क्या लिखा, एस, ये देख लो सबके साथ मैंने एस लगा दिया, दूसरे पूरे के साथ मैंने पी लगा दिया, देख लो पी लगाना है तो ज़रा ऊपर से लगा दो, नीचे को नीचे से ऊपर को लगा दो, डी लगा दो सबके साथ डी, और सबके साथ एफ लगा दो, सबके साथ हमने एफ लगा दिया सबके साथ। अब आपने डायगोनल लकीर मारनी है बेटे, देखो कोशिश करके सीधी लगाने की कोशिश तो करते हैं, ये देखो बेटे बिल्कुल जैसे ट्रेन की बेटे लाइनें जाती हैं बिल्कुल वैसे खुद ही हो जाएगा सारा कुछ, और अगर आगे पीछे को लगता है उसको सेट कर लो, उसमें क्या है अभी कर लेंगे हम, देखो ना कुछ लगे हैं ऐसे जैसे आगे पीछे हो गए, उसको अभी हम सेट कर लेंगे। क्या होगा, ये सेवन पी असल में यहाँ आना था बेटे, इसमें आना था, ये सिक्स एस जो था वो इसके इस लाइन पे आना था, बाकी देख लो कहीं हो, और ये दो लाइनें और भी तो लगनी है ना फिर बेटे, ये भी तो लगनी, और आप स्टार्ट कहाँ से लोगे, आपने स्टार्ट इस जगह पे लेना है, जब ये खत्म हो जाएगा तो एरो हेड पे आ जाया करना है, एरो हेड पे आ जाया करना है, और फिर जिधर को एरो कहता है उधर को जाना है, और बेटे लेफ्ट आनों की फीलिंग आपने करते चले जाना है। ठीक है बेटे, अब लिखता हूं इसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या बनता है, द एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल्स, ऑफ सब शेल्स इज, ये वाला ऑर्डर बनता है कौन सा बेटे, वन एस के बाद टू एस का एनर्जी है, टू एस के बाद वन एस के बाद टू एस, टू पी थ्री एस, टू पी थ्री एस, देख रहे ना आगे पीछे ना हो जाए, टू पी थ्री एस खत्म हो गया यहाँ आ गया, थ्री पी फोर एस, थ्री पी फोर एस खत्म हो गया, फोर एस के फिर में वो एरो वाली जगह पे आ गया, थ्री डी फोर पी फाइव एस, थ्री डी फोर पी फाइव एस, फिर कहाँ जाना है, फाइव एस खत्म हो गया, फिर यहाँ जाना है फोर डी फाइव पी सिक्स एस, फोर डी फाइव पी सिक्स एस खत्म हो गया, यहाँ आ गया फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस, और यही काम आगे चलता रहेगा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी, वन एस की, और आगे बढ़ते जाओगे एनर्जी बढ़ती जा रही, ये है तरीका का। अब इसमें से मैं सोडियम की कन्फिगरेशन करने लगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैंने शायद सब शायद देख ली है, वन एस है फिर टू एस है फिर टू पी है फिर थ्री एस है, फिर बेटे 3s के बाद देखेंगे क्या बनता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, s में आते ही 2 हैं, p में आते ही 6 हैं, 10 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, गौर करो 11 थे, 1s में, s में आते ही 2 हैं, 1s हो चाहे 2s हो चाहे 7s हो आने ही 2 हैं, p में आने 6 हैं, मैंने आपको बताया हुआ अभी, और d में आने 10 हैं, f में आने 14 हैं, शेल बना दो, ये इसके शेल बनाता हूं। अब बेटे इसके शेल या ऑर्बिट्स बनाने लगा हूं, क्या बनेगा, 1s के अंदर ये पहला शेल है, 2s और 2p दूसरा शेल है, और बेटे 3s जो है ये तीसरा शेल है, शेल भी आ गया बेटे, क्लियर हो गया मसला। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे लिखी जाती है, और कर दो एक और लिख लेते हैं हम, नियॉन 10 है बेटे, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 10 पूरे हो गए, इसके शेल्स बनाओ, शेल्स अगर बना रहा हूं 1s के अंदर 2 है और बेटे 2s2 2p6 के अंदर ये देख लो बेटे दूसरे भी हमारे शेल आ गए, दूसरी चीज भी आ गई, दो शेल में टोटल, ये होता है इसका तरीका का। अब हम देखते हैं बेटे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है बेटे,
कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, लिखने लगा बड़े पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और बेटे लास्ट में रूल आएगा, उसे कहते हैं हार्ड रूल। ये लिख देता हूं जल्दी से मैं बेटे, ताकि इसको भी कंप्लीट हम कर दें। इट इज, इट कैन बी स्टेटेड एज, इसको इस तरह बयान किया जा सकता है, ठीक है बेटे, टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर नेवर हैव सेम सेट ऑफ, ठीक है बेटे, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यूज, ठीक है बेटे, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यूज, नंबर वैल्यूज। या बेटे हम एक और जवाब भी दे रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन, ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन, उनकी अपोजिट स्पिन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि टू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटे, उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स ये वाला ऑर्बिटल है हमारे पास, एक क्लॉक वाइज होगा, एक एंटी क्लॉक वाइज, एक क्लॉक वाइज होगा, एक एंटी क्लॉक वाइज। देखते हैं बेटे, एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं बेटे, गौर करेंगे। मैंने बेटे इस पे पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, किस पे करना है बेटे, इस शेयर पे, तवज्जो करना बेटे। ब्रिलियम ले रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 और बेटे 2s2, ये जो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन उल्ट मैंने शो की है, ये पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से की है। आगे चलता हूं बेटे, हां जरूर, छोटा सा रूल है बेटे, याद करने वाला है, लेकिन ज्यादा सिलेबस में तो वैसे नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में उसको डिफाइन कर लेते हैं और उसकी एक आध एग्जाम्पल भी कोट कर देते हैं, सिंपल सा करते हैं। इट कैन बी स्टेटेड एज, इसे बेटे स्टेट किया जा सकता है, इसको इस तरह बयान किया जा सकता है, क्या चीज बेटे कहा जा सकती है, हां जरूर, व्हेन several orbitals of equal energy are available, orbitals of equal energy, बराबर एनर्जी वाले are available हो, then electrons, फिर electron कहाँ जाते हैं, then electrons क्या करते हैं बेटे, occupy करते हैं बेटे सेपरेट ऑर्बिटल्स को, अलहदा ऑर्बिटल्स को, सेपरेट ऑर्बिटल्स को विद सेम स्पिन, और उनकी स्पिन भी सेम होती है, क्लॉक वाइज होंगे तो सारे क्लॉक वाइज होंगे, इंस्टेंट ऑफ पेयरिंग, इंस्टेंट कहते हैं बेटे बजाय, और पेयरिंग जुड़वा रहने की बजाय वो बेटे सेम ऑर्बिटल में रहना पसंद करें। एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, गौर कर लेना, एग्जांपल नाइट्रोजन की ले रहा हूँ, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बेटे, 1s2 2s2 2p3 है, लेकिन अगर मैं इसके आज शेल बनाऊ, शेल तो बने बनाए हैं हमारे पास, तो बेटे ऑर्बिटल बना रहा हूं, शेल लेकर आऊं नीचे, शेल कैसे बनाया, 1s2 2s2 2p3, दो शेल बन गए,
हमने ऑर्बिटल बना ये ऑर्बिटल हमें हैंड रूल में चाहिए ऑर्बिटल्स चाहिए बेटे 1s लिख दिया 2s लिख दिया 2p के तीन हिस्से कर दिए 2px 2py और 2pz s में दो इलेक्ट्रॉन रख दिए इस दो रख दिए इसमें एक एक रख दिए क्यों एक एक रखा px py pz क्योंकि बराबर एनर्जी वाले होते हैं इसलिए इसका मतलब इसमें हमने तीनों रूल अप्लाई कर दिए 1s के बाद जो 2s आया ना बेटे ये क्यों आया ये आहा ने बताया था और बेटे एक में दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उल्टे क्यों रखने हैं पाली ने बताया था एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल आ जाएं उनमें एक एक क्यों रखना है ये बेटे हंड जरूर ने बताया था हंड जरूर ने बताया था तो ये तीनों रूल्स हमारे अप्लाई हो गए इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट में इंशाल्लाह देख लेंगे बहुत शुक्रिया बेटे अब कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते